1357 में आज के दिन लॉर्ड क्लाइव ने फ्रांसीसियों को हराकर पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर पर कब्जा किया था। 1832 में आज के दिन ब्रिटेन की संसद में सुधार विधेयक पारित किया गया। आज के दिन 1836 में फ्रैंकलिन बेल ने सिक्के छपाई के प्रेस का आविष्कार किया। फ्रैंकलिन एक प्रमुख लेखक, प्रिंटर, राजनीतिक सिद्धांतकार, राजनीतिज्ञ, फ्रिमसन, पोस्टमास्टर, वैज्ञानिक, आविष्कारक, विनोदी, नागरिक कार्यकर्ता, राजनेता और राजनयिक थे। एक वैज्ञानिक के रूप में वह अमेरिकी ज्ञान और भौतिकी के इतिहास में अपनी खोजों और बिजली के बारे में सिद्धांतों के लिए एक प्रमुख व्यक्ति थे। 1910 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। राम मनोहर लोहिया को भारत एक अजय योद्धा और महान विचारक के रूप में देखता है। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रूप बदल दिया, जिनमें एक थे राम मनोहर लोहिया। 1918 में आज के दिन यूरोपीय देश लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आज के दिन 1931 में महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई। बकुटेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1940 में आज के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। 1950 में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस पर देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकें, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम होते हैं, जिनमें मौसम विज्ञानी आपस में विचार एवं अनुभव बांटते हैं तथा इस पर चर्चा करते हैं कि इस उभरते विज्ञान के ज्ञान का न केवल भारतीयों बल्कि मानव जाति के कल्याण के लिए कैसे बेहतर उपयोग किया जाए। 1956 में आज के दिन पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक गणतंत्र देश बना था। आज के दिन 1965 में नासा ने पहली बार जेमिनी 3 अंतरिक्ष यान से दो व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा था। 1986 में आज के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की पहली कंपनी को प्रशिक्षित किया गया। साल 2012 में आज के दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का कीर्तिमान बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे।